सीवी रमन विश्वविद्यालय 2006 में आदिवासी बाहुल क्षेत्र कोटा में स्थापित होकर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय आदिवासी अंचल के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को, विशेषकर छात्राओं को, विज्ञान, तकनीकी, प्रबंधन, कला, साहित्य, संस्कृति एवं भाषा से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय को नैकी द्वारा ए ग्रेड प्रदान किया गया है। सीवी आरियो को नैक से ए ग्रेड प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों की आवश्यकता और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की मंशा से अनेक प्रकल्प विकसित किए हैं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को वैश्विक बाजार से कंपटीशन करने के लिए एवं आत्मनिर्भर भारत में अपने योगदान देने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदत्त इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जो नए उद्यमी तैयार करने व स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सहायता करता है। इसी तरह भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी प्रदान किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ कौशल में भी दक्ष हो रहे हैं। सीवी रमन विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर में आज ये कार्यक्रम जो किया गया, वो नई शिक्षा नीति और शिक्षा के नए प्रयासों के बारे में और विश्वविद्यालय उसमें कहाँ उपस्थित है, क्या कर रहा है, ये ब्रीफ करने के बारे में किया गया था। नई शिक्षा नीति ये मानती है कि उच्च शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास भी किया जाए और स्किल डेवलपमेंट को एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बताती है। सीवी रमन विश्वविद्यालय ने एक बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ खड़ा किया है। इसी के साथ साथ भविष्य के स्किल्स पर भी बड़ा जोर है, तो फ्यूचर स्किल एकेडमी एक बनाई गई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, मशीन लर्निंग पर, ARVR पर, AVGC पर, ऐसे सभी स्किल्स पर जोर देती है। हमारे बच्चों को अगर आगे बढ़ना है तो अब उनको भविष्य के कौशलों को अडॉप्ट करना पड़ेगा और देश विदेश में उनकी मांग बनी हुई है। सबसे पहले इस विश्वविद्यालय में कुछ नई एकेडमीज का गठन किया जा रहा है, जिसमें फ्यूचर स्किल्स एकेडमी और AVGC एकेडमी है, जिसमें एनिमेशन, मल्टीमीडिया, विजुअल इफेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे पाठ्यक्रमों में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कौशल चैम्पियनशिप करने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है, जहाँ पे कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चैम्पियनशिप करवाई जाएगी और उसमें जो विनर्स होंगे उन्हें जॉब गारंटी और साथ साथ प्राइजेस भी दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों के कौशल में दक्षता के बाद उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल जॉब भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके लिए देश और विदेश की विख्यात कंपनियां यहां आकर विद्यार्थियों का चयन करती हैं। कौशल विकास में दक्ष युवा आज भारत ही नहीं कई देशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री चौबे ने बताया कि अंचल के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए विश्वविद्यालय में ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई है। रतनपुर से रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी की रिपोर्ट।